Hello friends, this is Dr. Abhilash Modi and I welcome you all on Dr. Modi's English Dhaba. Today, the thing which we are going to learn is really nice. It means so nice. Why am I telling this thing? I'm really so excited to tease this thing. What is that thing? Let me tell you. You are going to see it here someday. SOMH, SHMO. I will not tell about this thing that what is actually this. I'll tell you something else. Because that is much more important than I'm going to teach. गाइस ध्यान से समझे, आज जो चीज हम समझने वाले हैं वो चीज ऐसी है कि अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया तो ये मान के चलिए आप दुनिया का कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना पाएंगे। हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं और हम लोग सबसे पहले हिंदी समझते हैं और उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि यार हिंदी में मत सोचो, डायरेक्टली तुम दोनों इंग्लिश बना दिया करो। आप बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। वो तभी पॉसिबल है जब आपको एक्सपोजर मिले, एक्सपोजर इन द सेंस ऑफ कि आपको एक्सपोजर मिले कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके साथ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना जानते हैं। आपको ऐसा कोई पर्सन मिल ही नहीं रहा है तो आप कभी सिचुएशनल इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। आप इंग्लिश सीखोगे पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो गलत होगी और आपको सही करने वाला कोई मिलेगा नहीं। ऐसे केस में इंग्लिश होती है वो होती है, ऐसे केस में ट्रांसलेशनल इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशनल इंग्लिश नहीं आ पाती इन द स्टार्टिंग। आपने अगर 5 से 6 महीने प्रॉपरली दे दिए तो उसके बाद में आप जैसे इंग्लिश चाहे इफेक्टिव लेवल पे इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं और वैसे बात करें तो ये एडवांस लेवल भी है और बेसिक लेवल भी है, दोनों तरीके का लेवल है। तो आज जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं दुनिया किसी भी तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हिंदी सेंटेंस होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर मेरे को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता, मेरे पास हिंदी सेंटेंस तो है पर मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता, इसको हम बोलते हैं मेरे से सेंटेंस नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते? एक कारण तो उसका यह है कि मुझे प्रॉपरली पता ही नहीं चलता कि मैं सेंटेंस बनाऊं कैसे। एक और कारण ये भी है कि सर मुझे शुरू से नॉलेज नहीं था तो मुझे पता नहीं चलता। और एक और कारण इसका यह है कि कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर सिस्टर्स मतलब जो टीचर्स हैं इंग्लिश के ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्होंने एक बगबियर फैला रखा है इंडिया में कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश आराम से नहीं आने वाली और इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप इंग्लिश बोल पाए अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से दुनिया के किसी भी तरीके के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बदल सकते हैं। ये वीडियो एक फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको असली में इंग्लिश बोलना सीखना है। मैं हूं डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर दो चीजें लिखी हुई है, एस ओ एम एच और यहां नीचे लिखा हुआ इंग्लिश के लिए एस एच एम ओ, दो चीजें यहां पे लिखी हुई है। ये चीजें क्या है पहले समझ लें। आपको केवल दो चीजें मगअप करनी है, दो चीजें पैराटाइज करनी है, दो चीजें रटनी है, वो इसको माइंड में आप रट लें। एस ओ एम एच और एस एच एम ओ ये क्या है? दुनिया के जितने भी हिंदी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो चाहे वो कितने भी छोटे हो, वो हमेशा इस सीक्वेंस में, इस क्रम में होते हैं। हमेशा दुनिया के किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले दुनिया को कोई भी हिंदी सेंटेंस ये बताता है कि परफॉर्मर कौन है, सेंटेंस में परफॉर्मर कौन है जो परफॉर्म करने वाला है इस सेंटेंस को, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में एक बार के लिए इसको आप लीव कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें। इसके बाद में आता है मैन वर्ब। मैन वर्ब का अर्थ क्या होता है? जो चीजें हमें ये बताती है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। मैन वर्ब जैसा यहां पे लिखा हुआ है, तो मैन वर्ब का अर्थ क्या होता है? सेंटेंस में ये बताना सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। वापस देखते हैं, सब्जेक्ट का काम है परफॉर्मर कौन है, मैन वर्ब का काम है परफॉर्म क्या हो रहा है, परफॉर्म तो हो रहा है पर परफॉर्म क्या हो रहा है। और लास्ट है हेल्पिंग वर्ब, जैसा आप यहां देख सकते हैं, इसका अर्थ होता है ये किस समय में हो रहा है। टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश सीखेंगे आप तो वो टेंशन देगा, सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश आप सीखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग इंग्लिश अगर आप सीखोगे तो दैट विल बी रियली नाइस फॉर यू। तो आप इसको ट्राई करें। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या है? अगर मुझे ये पता चल जाए कि सेंटेंस जो है वो किस टाइम का है, जैसे वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट में हो गया है ऐसा है या फ्यूचर में होगा ऐसा है,
तो देखिए कुछ हम बना करके देखते हैं जिससे आपको आ पाएगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको ताकि आप इसको समझ पाए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, कोई फॉर्मूला अलग तरीके से यहां नहीं रखना है हमको, हमको केवल एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एस ओ एम एच। मेरे साथ फिर से बोलिए प्लीज, एस ओ एम एच। एस फॉर सब्जेक्ट मतलब परफॉर्मर, ओ एक बार क्लियर छोड़ दें, इसके बाद में है एम, एम मीन्स मैन वर्ब, इसके बाद में है एच, एच का अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब। जब मुझे सब्जेक्ट पता चल गया, मैन वर्ब पता चल गई और हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, इसके अलावा जो चीज बच रही है सेंटेंस के अंदर वो चीज हो जाता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट। देखिए मुझको बताने दीजिए एक बार, लेट मी टेल यू वन और टू एग्जाम्पल्स जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि क्या है। देखिए देखिए जैसे हम देखते हैं, मैंने इन सेंटेंस को नहीं लेता हूं, मैं अलग सेंटेंस को लेता हूं। जैसे हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या है, सब्जेक्ट है, परफॉर्मर है। कुर्सी पर छोड़ दीजिए एक बार, बैठ रहे हैं तो बैठना क्या है, बैठना एक मैन वर्ब है, और रहे हैं मतलब अभी प्रेजेंट में इस काम को कर रहे हैं तो रहे हैं किसका सिंबल हो गया, हेल्पिंग वर्ब का सिंबल हो गया। और कुर्सी पर जो बीच में आ रहा था वो क्या हो गया, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और बनाते हैं, मैं कैमरे से शूट करता था, मैं कौन हूं, मैं परफॉर्मर हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। कैमरे से हो गया ऑब्जेक्ट, शूट करना ये क्या हो गया मैन वर्ब, करना ना आ रहा है, हर मैन वर्ब के एंड में ना आएगा, और करता था ये होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हिंदी में हमें सिंबल समझने होंगे कि जो भी सेंटेंस के एंड में आते हैं हिंदी में वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के सिंबल। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के सिंबल। देखिए जैसे हम यहां पर देखते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसका क्या हुआ, वी आर लर्निंग इंग्लिश। देखिए इसको देखें, मैंने यहां लगा पाए रहे हैं इसलिए मैं यहां लगा रहा हूं आर, बाकी देखिए हम की इंग्लिश होती है वी, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, और अंग्रेजी की इंग्लिश इंग्लिश, सिंपल। तो देखिए हमको अगर ये चीज पता चल जाए कि रहे हैं की इंग्लिश क्या है, चुका था, चुके थे, इसकी इंग्लिश क्या है, गा गी गे, हम जाएंगे, तुम जाओगे, मैं समझूंगा, अगर इनकी इंग्लिश हमें पता चल जाए तो मजा आएगा और दुनिया का हर इंग्लिश सेंटेंस हम बना पाएंगे। तो देखिए हम अंग्रेजी सीख रहे थे इस इंग्लिश के लिए वी आर लर्निंग इंग्लिश। अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा हो इसलिए आईएनजी क्यों लगा, तो इसके लिए आप हमारी आगे आने वाली वीडियो देखनी होगी। अभी हमारा मेन पर्पस केवल ये है कि आपके मन का डर निकालना कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। कारण ये है क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज द ओनली गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश, कि हमको इसके थ्रू इंग्लिश को समझना है, उसके द्वारा हम दुनिया का कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने छोटे छोटे स्टूडेंट्स को, बहुत छोटे छोटे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाया है इसी फॉर्मूले के द्वारा। लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, हो सकता है अगर आप इसको सही ढंग से एक प्रिसाइस मैनर में समझ लें तो हो सकता है, दैट इज रियली पॉसिबल। इसके बाद में है, वह 10 साल पहले मर चुका था, सेंटेंस के में क्या आया, चुका था, यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में लगती है वो सेकंड नंबर पर, उस पर से क्या आया हेड। वापस देखें, वह 10 साल पहले मर चुका था, एस ओ एम एच है, उसको एस एच एम ओ में बदलना है, सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मर कौन है, वह, इसकी इंग्लिश होती है ही, चुका था का हेड ऑलरेडी लग चुका है, मरने की इंग्लिश होती है डाई, इसकी थर्ड फॉर्म लग रही है, क्यों लग रही है वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ही हैड डाइड 10 साल पहले, 10 इयर्स अगो, सिंपल। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, मैं सफल इंसान बनूंगा, मैं आई लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, गा, जाऊंगा, आऊंगा, मैंने इसको यहां पर भी लिख रखा और यहां पर भी, ताकि आप समझ प्रॉपरली पाए। इसके लिए लगता है विल, शैल भी लगा सकते हैं, वो क्यों लगता है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी आपका मेन पर्पस देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज ना होए कि हमको सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्यों थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, क्यों फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, क्यों आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, भी नहीं समझना है। अभी हमको केवल ये समझना है कि मुझे सेंटेंस के एंड में देखना है, हिंदी सेंटेंस के एंड में, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर लगाना है। इस मेंटेलिटी को पहले सबसे अंदर माइंड में डालना है, कब क्या लगाना है वो बात की बात है। अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मेरे को ये चीज समझनी है सबसे पहले कि मुझे करना किस तरीके से है, चीज को क्या करना है, एक्जेक्टली क्या करना है वो हम थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। तो इसके अंदर हमने बना दिया आई विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन।
एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना रखा, देखिए कि हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मुझे किस तरीके से थॉट्स को सिक्वेंशलाइज करना है। वो इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस ये लिखा है, मुझे सबसे पहले जो है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखना है, रहा है आ रहा है, चुका है आ रहा है। अब इसको घर पे भी ट्राई करें, जैसे मैं वहां जा सकता था तो मैं पहले बताना चाहिए था, तो इसमें क्या है, जा सकता था मतलब सकता था, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी का सिंबल है। मुझे बताना चाहिए था, चाहिए था, ये हिंदी का सिंबल है। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर पर चीज चेंज हो जाएगी। जैसे मुझे इस तरीके से बोलना है कि मुझे कैमरा खरीदना है, तो ना है जो ये चीज आ रही है, ये जिसके आ रही है हेल्पिंग वर्ब, मुझे अकॉर्डिंग यहाँ इंग्लिश में यहाँ लगानी पड़ेगी। मतलब ये चीज ध्यान में रखें कि हेल्पिंग वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, आई नॉट गो देयर, अब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, उसको समझे। हाँ, तो मेरा पर्पस केवल ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग हम परचेज कर पाए। तो सबसे पहले द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस आपको देखना है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, फिर चूज हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब भी लिखा हुआ है, वर्ब्स भी लिखा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को चुने। हेल्पिंग वर्ब्स को चुनने का अर्थ क्या हुआ कि मैं जैसे सपोज कीजिए रहा है, रही है, रहे, इसके लिए इस आर एम भी लगा सकते हैं, हैज बीन, हैव बीन भी लगता है जब टाइम ड्यूरेशन आता है, सिंस और फॉर वाला यूज भी आपने पढ़ा होगा अगर कभी, तो उसमें वर्ब या वर्ब्स, तो मैंने उन तीनों वर्ब्स को चुने, जैसे रहा है, रही है, इसमें इस आर एम तीनों आता है, पर यहां पर आ रहा है हम, इस कारण से मैंने क्या चुना, आर। तो ये कैसे पता चलेगा, चूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चुननी है। यहां हम वर्ब भी चुन सकते हैं, वर्ब्स भी चुन सकते हैं, यहां पर हमको क्या चुननी है, हमको सिंगल वर्ब चुननी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चुका था, इसमें तो हमेशा हेड ही लगता है चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ओके, पर रहा है, रही है, इसके अंदर इजारा लग सकता है, इसलिए मैंने यहां पर वर्ब भी लिख रखा है और वर्ब्स भी है, दोनों है। तो अगर कभी भी तीन या चार वाली चीज हो, देखिए चार वाली चीज तो कभी नहीं होती, तीन वाली अगर कभी चीज हो तो वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर इस तरीके से हमको करना पड़ेगा, सिंगल हेल्पिंग को चुनना पड़ेगा। इसके बाद में अप्लाई मैन वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, जैसे आर के साथ आईएनजी लगता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये हम आपको अगली या इससे अगली वीडियो में बताएंगे कि किसके साथ कैसे लगती है, अभी मेरा पर्पस ये था मैं थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। तो मैन वर्ब लगाए अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब और फाइनली मेक द कंप्लीट सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट केवल इंग्लिश लिखनी है, ऑब्जेक्ट की भी केवल इंग्लिश लिखनी है, इसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना, कोई रूल नहीं होता इसका, सो दैट आपको इस तरीके से बनाना है। सो गाइस, आज जो हमने चीज सीखी है, अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप माने या ना माने, दुनिया का कोई भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। शुरू के 5 से 6 महीने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद में आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल का अर्थ ये होता है जो सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल के भी बहुत ऊपर होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल ड्रिल का अर्थ होता है मैं कैसे सेंटेंसेस को इफेक्टिव वे में बता सकता हूं। मैं एक ही सेंटेंस के, देखिए सबसे पहले आपका पर्पस होना चाहिए कि मैं हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ना पाऊं, ट्रांसलेट कर लिया आपने, और फिर उसके बाद में जब मुझे ये चीज आ चुकी है, ऑलमोस्ट 90-95% आ चुकी है, तो मैं कैसे एक हिंदी सेंटेंस से 4 इंग्लिश सेंटेंस अलग अलग तरीके से बना पाऊं, आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। तो आज हमने काफी अच्छी चीजें सीखी गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपने लर्न भी किया होगा। एंजॉयमेंट और लर्निंग दोनों साइमल्टेनियस चलती है, दैट्स रियली ग्रेट थिंग। सो गाइस, इट वाज डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स व्हेनेवर वी अपलोड द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, और अगर आप इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।